जय मसीह के दोस्तों, मेरा नाम पास्टर अनिल कोचर है और मैं बॉम्बे शहर में रहकर परमेश्वर की सेवा करता हूं। मैं अब तक आपको ऑडियो के जरिए परमेश्वर के वचन को भेजता था, लेकिन आज परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा मेरे मन में आया है और परमेश्वर ने दर्शाया है कि मैं आज से आपको वीडियो के जरिए इन वचनों को बांटूं। मैं विश्वास करता हूं कि वचन आपको बहुत पसंद आएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि पूरी एकाग्रता के साथ इन वचनों को आप सुनिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा है। हालेलुया। तो आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसका 3रा वचन। मैं वचन आपके लिए पढ़ता हूं। वचन कहता है कि जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। तब लाल रंग का एक और घोड़ा निकला। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि वह पृथ्वी पर से मेल मिलाप उठा ले, कि लोग एक दूसरे को घात करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। दोस्तों, ये वचन हमें क्या बताता है? ये वचन हमें दिखाता है कि गुप्त आगमन के बाद जब हम यीशु मसीह के साथ जाएंगे, जब वो बादलों पर सवार होकर आएगा, रैप्चर के द्वारा हम जब यीशु मसीह के साथ जाएंगे, तो उसके बाद स्वर्ग से यीशु मसीह की गतिविधि क्या होगी? क्या करेगा यीशु मसीह? क्या करेगा यीशु मसीह? मेल मिलाप की सेविकाई को, मेल मिलाप को धरती से खत्म कर देगा। वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि जाओ और धरती से मेल मिलाप खत्म कर दो। क्यों? क्यों कर रहा है ऐसा यीशु? क्यों किया? क्योंकि यीशु मसीह तो प्यार करने वाला है, यीशु मसीह तो दर्द सहने वाला है, यीशु मसीह तो बलिदान करने वाला है, और उसने बलिदान किया। 2000 साल पहले स्वर्ग से जमीन पर आकर यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया। उसने कोड़े खाए, उसने हाथों और पैरों में कीले चुभवाई, उसने दर्द सहा, दुख सहा, ताकि हम सुख भोगे, ताकि हम आशीष पाए। लेकिन आज इस वचन के द्वारा हमें क्या पता लगता है कि यीशु मसीह स्वर्ग से मेल मिलाप की सेविकाई को खत्म कर रहे हैं धरती से, क्योंकि उसका सब्र, उसका प्यार जो हमारे लिए था वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बलिदान दिया। क्योंकि हम समझ नहीं रहे, हमारे मन की कठोरता हमें अस्थिर कर देती है, हमारी मन की कठोरता हमें शैतान के बंधनों से बांध देती है। हम अपनी मन की कठोरता को पहचानते मेरे भाई, क्योंकि वो दिन आने वाला है जब हम गुप्त आगमन के समय, जब हम गुप्त आगमन के जरिए परमेश्वर के पास जाएंगे, यीशु मसीह के साथ जाएंगे, उसके बाद महाकलेश में मेल मिलाप धरती से खत्म कर दिया जाएगा। जो आपके प्यारे हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, आपका पड़ोसी, आपके माँ, आपके बाप, आपके भाई, आपकी बहन, आपका चाचा, आपका चाची, वही आपको घात करेंगे, वही आपको घात करेंगे, वही आपको लूटेंगे, क्योंकि धरती से यीशु मसीह ने मेल मिलाप खत्म कर दिया है। दोस्तों, अभी भी वक्त है, वक्त आने वाला है महाकलेश का। वही यीशु जो धरती पर आया था और उसने क्या कहा था कि हमें मेल मिलाप करना है, उसने क्या कहा था कि दुश्मनों को माफ करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, अगर कोई तुम्हारा एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल आगे कर दो। यही यीशु मसीह ने हमें बताया था और यही हमें शिक्षा दी थी, यही हमें ज्ञान दिया था। लेकिन आज जब गुप्त आगमन के बाद हम उसके साथ जाएंगे, तो यीशु मसीह धरती से मेल मिलाप को खत्म कर देगा। वो दिन आएगा मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, जब इस धरती पर हाहाकार होगा। इसलिए हमें अपने आप को जांचना है। उसने अपनी इच्छा से हमारे पापों को माफ किया, उसने अपनी इच्छा से हमारे अपराधों को क्षमा किया। दूसरा कुरिन्थियन 5:19 अगर हम देखें तो कहता है, अर्थात परमेश्वर लोगों के अपराधों का दोष उन पर ना लगाते हुए मसीह में जगत का मेल मिलाप अपने साथ कर रहा था। उसने हमें मेल मिलाप का वचन सौंपा है। और 20वां वचन क्या कहता है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से तुमसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। मेरे दोस्तों, मेल मिलाप कर लो, ये परमेश्वर का निवेदन है, ये परमेश्वर का निवेदन है, उसकी प्रार्थना है, वो आपसे विनती कर रहा है। इसलिए दोस्तों, हमें परमेश्वर के अनुग्रह में रहते हुए, परमेश्वर की कृपा में रहते हुए, परमेश्वर के प्यार को समझते हुए अपने साथ परमेश्वर का मेल मिलाप जो हमारे साथ वचन के द्वारा हुआ है उसमें स्थिर रहना है, स्थिर रहना है। अंतिम समय है, समय बहुत कम है, यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, वो आदि और अंत, वो अल्फा और ओमेगा है, वो जो कहता है वो होता है। विश्वास करिए, विश्वास करिए। पतरस ने इनकार किया था और तिब्रेस झील में यीशु मसीह खुद उसके पास गए मेल मिलाप करने के लिए।
उससे बात करने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए वो तो दूर हो गया था। वो समझता था कि मैंने गुनाह किया, लेकिन यीशु मसीह गए थे उसके पास और उससे पूछा, हे पतरस, कहीं सबसे ज्यादा तुम उससे प्यार करता है? कौन सब? ये समाज, ये रिश्ते, तेरी इच्छाएं, तेरी अभिलाषाएं, कहीं सबसे ज्यादा तुम उससे प्यार करता है? पतरस ने कहा था, हाँ प्रभु, मैं इन सबसे ज्यादा तुझसे प्यार करता हूं। आज ये यीशु आपसे पूछ रहा है, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, क्या इन सबसे ज्यादा, इस समाज, इस संसार, अपनी अभिलाषाओं से ज्यादा तुम उससे प्यार करता है? अगर दोस्तों हम इस समाज, इस अपने रिश्तों से ज्यादा परमेश्वर को पूछेंगे, उससे उससे प्यार करेंगे, उसको अपना बनाएंगे, उसके संग स्थिरता के संग रहेंगे, तो हमारा रैप्चर में जाना निश्चित है। हालेलुया, अन्यथा प्रकोप आएगा। इसलिए आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं कि आज की सुबह परमेश्वर के अद्भुत कार्य को हम, जो उसने हमारे अंदर किया है, दुनिया को बताएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र सामर्थी नाम के लिए। सुनने वाले हर भाई बहन को, देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष और चंगाई मांगते हैं। वो बुद्धि दे परमेश्वर, वो प्यार तेरा हमारे अंदर कभी कम ना हो परमेश्वर। कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति हमें तेरे प्यार से दूर ना कर सके। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमेन।